फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हिंदी क्लास थर्ड पार्ट छह, पार्ट का नाम है ओ ओ अन और अह की मात्रा। तो आज हम पढ़ेंगे ओ ओ अन और अह की मात्रा के बारे में कि ये मात्रा कैसी होती है और कहाँ लगाई जाती है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है ओ की मात्रा, इसे हम ओ की मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है तोता, क्या लिखा है यहाँ पर तोता। तो यहाँ पर त में हमने कौन सी मात्रा लगाई, ओ की मात्रा। तो त में ओ की मात्रा तो, और त में आ की मात्रा ता। तो क्या होने से तो ता। उसी प्रकार म में ओ की मात्रा लगाएंगे तो मो र, ह में ओ की मात्रा हो, और न में की मात्रा ली, तो बोलेंगे हो ली। उसी प्रकार म में ओ की मात्रा मो, और त में की मात्रा ती, मो ती, सो ना। उसी प्रकार हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, तोता मोर होली मोती सोना। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है म म, तो म में हमने इस ओ की मात्रा को जोड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है त, और त में फिर हमने ई की मात्रा को जोड़ा है। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, म में ओ की मात्रा को यहाँ पे लगाई है, म है, म में हमने इस ए की मात्रा को जोड़ा तो क्या बन गया मो। उसी प्रकार हमने यहाँ पे द लिखा, उसमें इस ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो ती, तो ये बन गया मो ती। इसी प्रकार आपको अक्षर में मात्राओं को लगाना है और उसे पढ़ना है। तो आगे बुक में क्या गया है, तोता मोर होली मोती सोना। फिर उसके बाद दिया गया कटोरी टोकरी कुजर कठोर सोमवार दोपहर और खरगोश। तो इसमें सभी जगह पर ओ की मात्रा लगाई गई है। तो हमें इसी प्रकार शब्द में ओ की मात्रा को लगाना है और उसे पढ़ना है। उसके बाद क्या गया है, घोर हो गई, घोर हो गई मतलब घ में ओ की मात्रा हो र हो गई, तो घ में ओ की मात्रा हो गई। वैसे ही आपको भी एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी मात्राएं अच्छे से याद हो जाएगी। घोर हो गई, गोपाल उठ, मोहन ढोल बजाता है, सोहन खाना खाता है। तो यहाँ पर सभी जगह पर ओ की मात्रा लगाई गई है। जिस वर्ड में ओ की मात्रा लगाई गई है वहां पर हम उस मात्रा को लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ी है ओ की मात्रा, उसके बाद हम पढ़ेंगे बड़े ओ की मात्रा। अब इसे भी हम ओ की मात्रा कहते हैं, इसे भी हम ओ की मात्रा कहते हैं, लेकिन ये छोटे ओ की मात्रा है और इसे हम बड़े ओ की मात्रा कहते हैं, जिसमें ऊपर दो मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। अब यहाँ पे लिखा है, अब मैं आपको यहां पर बताती हूँ, जैसे कि लोगा, ठीक है, या फिर पौधा, ऐसे जिसमें बड़े ओ की मात्रा लगाते हैं लोगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है न, और उसके बाद फिर उसमें मैंने ये वाली बड़े ओ की मात्रा लगाई। तो न में ओ की मात्रा लगाई, फिर क, क के बाद फिर आ की मात्रा, वर्ण लिखा, उसके बाद मैंने फिर मात्रा लगाई, फिर यहाँ पर वर्ण लिखा, फिर उसके बाद फिर मात्रा लगाई। अब हम उस वर्ण में उस मात्रा को जोड़ेंगे, मतलब जो अक्षर दिया गया है हम उसमें उस मात्रा को जोड़ेंगे और उसके बाद उसे फिर से रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पेटा लिखा तो मैंने लिखा है न, उसके बाद कौन सी मात्रा है ओ की मात्रा, तो यहाँ पर हमें लगाई ओ की मात्रा। फिर क, क में लगाई आ की मात्रा। तो अभी से आप एक बार फिर से पढ़िए क्या हुआ है, नो का न में ओ की मात्रा, नो क में आ की मात्रा का। इसी प्रकार आपको भी अन्य अक्षरों में जो मात्रा दी गई है, न में ओ की मात्रा, नो क में आ की मात्रा का, इसे जो मात्रा दी गई है वह मात्रा लगाकर आपको बोलना है। अब आगे दिया गया है हमें नौका पौधा कौवा दौड़, क्या
आगे भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, सौरभ, मौसम, खिलौना, चौपाई। इसके बाद यह है सौदागर, चौकीदार, नौजवान, दौड़कर। तो इनमें कौन सी मात्रा लगाई है? ओ की मात्रा, बिल्कुल सही। आगे पढ़ेंगे आज मौसम ठीक है, इसके पहले हमने आ, ई, ऊ, ए की मात्रा पढ़ी थी, तो उन वो मात्राएं भी इसमें दी गई है, उनको भी पढ़ना है। और जिसमें ओ की मात्रा लगाई है आपको वो मात्रा भी पढ़ना है, मतलब इस शब्द को आपको पढ़ना है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, आज मौसम ठीक है, छत पर कौवा बोल रहा है, इंदौर से मौसा और मौसी आए हैं। तो इसी प्रकार छोटे ओ की और बड़े ओ की मात्रा लगाकर आपको बोलना है। अगर आप इसे एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो मैंने पढ़ा वैसे में आपको भी घर पर पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन की मात्रा। इसके बाद हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे? अन की मात्रा। गणतंत्र क्या पढ़ेंगे? गण
इसी प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो शब्द दिए गए हैं जिस वर्ण में भी अगर बिंदु लगता है तो उसमें क्या अनुस्वार निकलता है, न का अनुस्वार निकलता है, तो वैसे ही हमें उसको पढ़ना है। जैसे कि कंचन, चंदन, मंजन, मोरपंख, गणतंत्र, उसके बाद आगे लिखा है संविधान, बसंत, आवया, सब और बसंती रंग दिखने लगा, सब और बसंती रंग दिखने लगा, खेतों में बासंती फूल खिल उठे। तो जिस शब्द में जो मात्राएं लगाई गई है आपको भी मात्राएं अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा है अनुस्वार मतलब कि अन की मात्रा, न की मात्रा। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, विसर्ग, जिसे हम कहते हैं अह की मात्रा। विसर्ग मतलब इसे क्या कहते हैं, अह, अह की मात्रा, अह की मात्रा। इस प्रकार से इसे हम कहेंगे अह की मात्रा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे विसर्ग, विसर्ग मतलब अह की मात्रा पढ़ेंगे। तो नमः, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम ह लगाते हैं, ह लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम ह हल्का लिखें इसमें, ठीक है। उसके लिए हम इस प्रकार से अह की मात्रा लगाएंगे, मतलब विसर्ग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नमः, न प्लस म, फिर उसके बाद ये दो बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं, अह की मात्रा। तो अब हम इन्हें वापस से जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या बनता है, ये न है, इस न को मैंने लिखा, फिर उसके बाद म, इस म को फिर से हम यहाँ लिखेंगे, और अह, जिसे हम जब पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, नमः। उसी प्रकार से आगे भी है छह, जिसे आप सिक्स बोलते हैं, छह बोलते हैं, लेकिन जो हिंदी की जो भाषा है, जब लिखने की जो भाषा होती है उसमें उसको छह बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम आगे पढ़ते हैं अतः, क्या पढ़ते हैं, अतः, अतः, ह के लिए हमने मात्रा लगाई, इसके लिए उसके बाद न, हु, न, ह, फिर आगे पढ़ेंगे नमः। वैसे ही जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे समझाया वैसे ही आपको फिर से पढ़ना है इसको, अतः, पुनः, नमः, अंततः, फलतः, अंशतः। तो उसमें कौन सा विसर्ग लगाए, उसमें अह की मात्रा लगती है। उसके बाद राम 6 बजे उठता है, वह सुबह घूमने जाता है, संभवतः कल परीक्षा है, अतः वह अपनी पुस्तक पुनः पढ़ रही है। इसी प्रकार नीचे आपको पढ़ी लिखा है यहाँ पर, तो इसको आपको एक बार पढ़ना है, गांव, नमः, आंगन, अंततः, फलतः, संभवतः, कोयल 14, लोमड़ी, पौधा, संतरा और अंगूर। इसी प्रकार से जिस मतलब कहेंगे आपको ओ की, ओ की और अन की मात्रा बताएंगे। इसी चंद्रबिंदु का ले गया, सॉरी चंद्रबिंदु का आपको एक बार बता देती हूँ। चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु कैसे कहते हैं, चंद्र बिंदु, जो कि इस प्रकार से हम लगाते हैं, इसे हम कहते हैं चंद्रबिंदु। इससे पहले हमें क्या पढ़ा था, इस प्रकार से चंद्रबिंदु लगता है हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अनुस्वार, जो इस प्रकार से बिंदु लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु कहाँ
लगता है। अब यहाँ पे बुक में जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया ऊंट, क्या दिया है ऊंट, समझ में आएगी। थैंक यू टू ऑल।